मेरे रस के कमर। अरे भाई साहब बहुत ही शिद्दत से लिखा, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है। मेरे रस के कमर, बिल्कुल भैया, कौन सा चौन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गांव में जाकर चपक जाएगा। बेवकूफ तुम जाओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, काहे कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहे हो? अरे कॉपी गाना सुना रहे? अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन लो दद्दा, उसमें कहा है? कोई और सुनो कि कोई दीवाना कहता है। महाराज त्रिवेदी जी पगला गए क्या? कुछ अपना सुनाइए, तलकता भड़कता एकदम। तो ले भैया, अब तलकता भड़कता लियो, लो अब बिल्कुल तलकता भड़कता आ रहा है। हेलो हेलो, एक दो तीन, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही। हेलो, ज्यादा माइक पे ना घुसो, मुंह चपक जाएगा। हाँ लो 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 लो, कि बंदर मामा पहन पजामा। हाय, इसका दिमाग खराब करे। हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ करावा करत कवि सम्मेलन में। तो कहाँ आए हो यहाँ? मजा सही है भाई। माफ कीजिएगा भाई लोग, आपको कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते पशु। क्या बात है बाबा। आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद बसु ने। चलिए छोड़िए, समझ में नहीं आया होगा। अगले कवि का स्वागत कीजिए, श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री।